नमस्कार, क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो प्रश्न मैंने लिया है वो रिसर्च का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? तो आपका जो ऑप्शन है, कारणात्मक तुलनापरक अनुसंधान, दूसरा है ऐतिहासिक अनुसंधान, तीसरा है वर्णात्मक अनुसंधान और चौथा है आपका प्रायोगिक अनुसंधान। तो इनका कहना क्या है आप समझिए, आप आइडेंटिफाई करते रहिए तब तक ऑप्शन। ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा आपका रिसर्च है जिसमें जो कंक्लूजन निकलता है आपका, जो उसका समरी होती है, उसको अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब सब पे लागू नहीं किया जा सकता, उससे इतर कोई भी परिस्थिति आप उस पर लागू नहीं कर सकते। तो जो कारणात्मक तुलनापरक अनुसंधान होता है, इसमें आप क्या करते हैं कि कॉज आप खोजते हैं, कारण खोजते हैं और क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इसको तो आप लागू कर ही सकते हैं अन्य स्थितियों से, अगर वैसी परिस्थिति हुई। दूसरा आपका ऐतिहासिक अनुसंधान, इसमें क्या करते हैं आप भूतकाल में हुए जो घटनाएं घटित हो जाती हैं उस पर अनुसंधान करते हैं स्रोतों से, जो आपके दो प्रकार के होते हैं, जो मुख्य स्रोत और गौण स्रोत के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। तीसरा आपका जो ऑप्शन है वर्णात्मक या डिस्क्रिप्टिव, तो आप इसीलिए करते ही हैं कि जो चीज़ें आप फाइंड करें, जैसे सर्वे करें, तो उसका आप सामान्यीकरण कर सकें। कोई वो घटना घट गई तो आप उसमें क्या करें, सामान्यीकरण कर सकें उस प्रकार की किसी अन्य घटना पे। चौथा आपका प्रायोगिक, तो आप ये इसलिए करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ताकि जो आपका जो चीज़ें हम नहीं जानते, ऐसा कोई परिस्थिति जिसमें कंट्रोल कर लेते हैं चरों को, उसको अन्य स्थितियों से आप वहाँ पे सामान्यीकृत कर सकें। तो जिसका आंसर होगा यहाँ पे वो आपका होगा ऐतिहासिक अनुसंधान, क्योंकि यह वह अनुसंधान है जिसमें हम सिर्फ भूत में घटित जो घटनाएं उसका बस अध्ययन कर सकते हैं, उसको अन्य स्थितियों से हम सामान्यीकृत नहीं कर सकते।